Hi guys, welcome back. So Clash of the Millennium, Donkey versus Salar या Salar versus Donkey में एक बहुत खतरनाक मोड़ आ चुका है। आज का दिन एक ऐसा दिन जिसको कहा जाएगा स्कैम डे। जी हाँ, स्कैम डे जो है ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि सलार की जो आज एडवांस बुकिंग आई थी, जो मैंने आपको बताई थी आज सुबह पर कि भाई हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग आई है और इतना बड़ा जंप देखने को मिला है, इसके ऊपर सवाल उठे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये एक प्रॉपर स्कैम है। इसी के ऊपर ये चर्चा होगी ये वीडियो में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। बहुत सारी बातें यहां पर होने वाली हैं डंकी वर्सेस सलार के इस वाले एपिसोड में, जिसमें हम लोग बात करेंगे फेक कलेक्शंस की। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट एन एक्यूजेशन। ये कोई एक्यूजेशन वीडियो नहीं है, ये किसी के वर्सेस वीडियो नहीं है, ये किसी का एंटी वीडियो नहीं है। यहाँ पे प्योर 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 डिस्कशन होने वाला। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, जब ये क्लैश अनाउंस हुआ सबसे पहले क्या है, जब हमें किसी चीज की रूट कॉज पे जाना होता है, मतलब बीमारी को समझना होता है, तो हम उसकी रूट पर जाते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली। आपको याद होगा जैसे ही डंकी वर्सेस सलार अनाउंस हुआ था, या सलार वर्सेस डंकी कह लीजिए, ये जब अनाउंस हुआ था उसी वक्त पर सोशल मीडिया पर आग लग गई थी। एंड वी रिमेंबर द काइंड ऑफ ब्रूटल वॉर, फैन वॉर जिस तरीके की स्टार्ट हुई थी। उसके बाद डेवलपमेंट्स क्या रही, पहले तो ये माना गया कि शायद ये फेक न्यूज है और डंकी वर्सेस सलार नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ी टक्कर जो है वो हो जाएगी। शाहरुख खान एक ऐसा नाम जिनके आगे कोई भी टिक नहीं सकता है। और जहां तक रही बात पिछली हिस्ट्री की, भाई इस साल में दो ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में कर देना और उसके बाद जो हजार हजार करोड़ और उसके बाद तीसरी हजार करोड़ जो है वो सामने खड़ी हुई नजर आ रही थी डंकी। वहीं दूसरी तरफ सलार को लेकर अटकलें बहुत लगी है। सलार काफी बार पोस्टपोन भी हो चुकी थी और सलार का ज्यादा कॉन्टेंट भी नहीं रिलीज हो रहा था, बट इट वॉज कन्फर्म्ड कि डंकी वर्सेस सलार जो है ये होगा ही, होकर ही रहेगा। जिसके बाद मैंने भी आपसे कहा था इट माइट बी अ सुसाइडल अटेम्प्ट। सुसाइडल अटेम्प्ट क्यों बोला था, नॉट इन लिटरल सेंस, बल्कि मुझे लगा था कि भाई इतनी बड़ी टक्कर हो जाएगी फिल्म जो है, ऐसा ना हो कि दोनों ही फिल्मों को नुकसान हो, ऐसा ना हो कि ऑडियंस मर जाए, ऐसा ना हो कि दोनों की कलेक्शंस जो है ये मीडियोकर होकर के रह जाए, या कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई यू नो मैनिपुलेशंस या कुछ करनी पड़े। उस वक्त पर मैंने ये बात बोली थी और मेरे वो वीडियो आप निकाल कर छांट करके देख सकते हो, जिसमें मैंने उस टाइम पर साफ ये बोला था कि दिस इज गोइंग टू बी सुसाइडल। मैंने यही वर्ड्स बोले थे। मगर उसके बाद हुआ क्या कि क्योंकि फैन वॉर्स इतने जोर पर थे, कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा भर गया सेइंग कि आप बायस्ड हो रहे हो, आप क्यों अभी से यू नो व्हाई यू जंपिंग टू कंक्लूजंस। बट मैंने इसलिए बोला था उस बात को क्योंकि मुझे पता था कि ये पोलराइजेशन हो जाएगा। ये पोलराइजेशन क्या है, ध्रुवीकरण क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं जब इलेक्शंस आते हैं उसमें वोटिंग जब होती है, उसके पहले पार्टीज पोलराइजेशन कर देती हैं। पोलराइजेशन क्यों होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि दो पोल्स में बंट जाना। जी हाँ, ऑडियंस जो है ये पोल्स, दो नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से बट गई थी, डिवाइड हो गई थी, और ये डिविजन मैंने कहा था बहुत भारी पड़ेगा बॉक्स ऑफिस पर। हुआ क्या है इस सारे के सारे सिनेरियो में, बॉक्स ऑफिस को नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। क्यों? क्योंकि अगर ये कहीं सोलो रिलीजेस होती दोनों ही फिल्में, इस वक्त पर ट्रिपल बिजनेस कर रही होती और जितने भी अभी टैक्टिक्स या ये जो गेम्स हैं ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये सच में हुआ, क्या इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ ये सच में मैनिपुलेटेड है? मैं सिर्फ इतना आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रोजेक्टेड फिगर्स, प्रोड्यूसर प्रोजेक्टेड फिगर्स हमेशा से हमने देखी है, हमेशा से होती आई है, साउथ में भी हो या बॉलीवुड में भी हो, कहीं पर भी हो वो होती जरूर आई है। लेकिन यहाँ पर सलार के केस में क्यों पॉइंट्स रेज हो रहे हैं, क्यों बोला जा रहा है, सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है यहाँ पर। डिफरेंस ऑडियंस सबका ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि भाई ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कैसे आ गया इतना बड़ा, ये सवाल उठाया जा रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर दिस इज द राइट टाइम, होमबाड़े फिल्म्स नीड टू कम अप एंड गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑन दिस, बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिनेरियो। आज का दिन जो हुआ है, और स्पेशली चलो पहले के जो 402 हमने प्रोजेक्शंस भी देख लिए थे, वो सब भी देख लिए थे, लेकिन इस वक्त पर क्या हुआ है कि कुछ एक एक्सपोजेस किए गए हैं फैंस की तरफ से किए गए हैं, वो जो कि दूसरी पार्टी के मतलब फैंस की तरफ से किए गए हैं, जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि सुबह के जो शोज थे सलार के, मॉर्निंग 6 AM 7 AM शोज जिनको हाउसफुल बुक माई शो पर दिखाया गया, वो एक्चुअली जब किसी ने जाके क्रॉस चेक किया वो खाली थे। अब इसके पीछे, ये भोपाल की रिपोर्ट थी, अब इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या सच में ऐसा हुआ है, उसकी भी कोई ना कोई जांच होनी चाहिए, उसके भी कोई ना कोई चेक होना चाहिए। बट आई वुड से कि अगर ऐसा हुआ है, दिस इज वेरी सीरियस। मैंने सुबह, मैं बहुत खुश थी, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द जंप एंड आई कुड नॉट इवन, मैं भी आपसे कह रही थी कि भाई ये तो कमाल हो गया, ये कैसे हुआ है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कोई ग्लिच है, कोई बुक माई शो में ग्लिच आया है या क्या आया है। अगर कोई ग्लिच आया है, लेट्स चेक राइट नाउ कि इस वक्त पे क्या चल रहा है। अगर कोई ग्लिच आया है तो वो ग्लिच अब तक रेक्टिफाई हो जाना चाहिए। इस वक्त पर मैं बुक माई शो अगर ओपन करती हूँ, सलार की 13.9,000 टिकट सोल्ड आउट हो रही है, कल से काफी कम,
कल 25,000-30,000 तक का नंबर आ रहा था, इस टाइम 13,000-14,000 का नंबर आ रहा है, काफी कम हो चुका है. एज पर दी एडवांस बुकिंग जो है वो भी नंबर जो है, मुझे लगता है अभी जब मैं प्रिडिक्शंस आपको बताऊंगी उस टाइम पर, जब अर्ली एस्टिमेट्स बताऊंगी, तब मेरे ख्याल से वो नंबर पता नहीं कहां पर होगा, किस तरफ होगा. लेकिन अगर हम दिल्ली एनसीआर का यहाँ पर ओपन करके देखते हैं, दिल्ली एनसीआर की, मैं नॉर्थ की बात कर रही हूँ यहाँ पर, साउथ की बात नहीं हो रही है, नॉर्थ में अगर मैं ओपन करके देखती हूँ तो ये इस वक्त पर भी मुझे सलार जो है ये ऑक्यूपेंसी वाइज कल से बेटर नजर आ रही है. अब ये एज पर बुक माई शो है. क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है, क्या इसके पीछे अभी भी हम ये कह सकते हैं कि कोई ग्लिच है या कोई और यू नो प्रोजेक्शंस हैं या फेक कलेक्शंस हैं या वट एवर इट इज मैनिपुलेशंस हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस वक्त पर अगर ऐसे कोई सवाल उठ रहे हैं, होम वाले फ्रेंड्स नीड टू कम अप एंड टॉक अबाउट इट बिकॉज दिस इज सीरियस. और ये वाली चीज जो है हमने बहुत कम देखी है कि मतलब ऐसा क्रॉस चेकिंग की जिसमें आप देख रहे हो यहां पर है फुल और ऑक्यूपेंसी वाइज जब आप जाकर के कोई किसी ने चेक किया है तो वो खाली है. तो मैं वही कह रही हूँ, वो भी वेट होना चाहिए, वो भी प्रॉपर तरीके से चेकिंग होनी चाहिए. क्या सच्चाई है, क्या वो रियली कोई ऐसा वीडियो है या किसी और टाइमिंग का वीडियो है, क्या है, आई रियली डोंट नो, आई कैन नॉट इवन कॉमेंट ऑन दैट. आई कैन ओनली से कि ये जो कुछ चल रहा है, फेक प्रोजेक्शन की बात जो हो रही है, फेक कलेक्शन की बात जो हो रही है, इस पर एक क्लैरिफिकेशन आना चाहिए. अब आते हैं डंकी के ऊपर. डंकी के ऊपर की बात यह है कि जब डंकी रिलीज हुई थी उस वक्त पर इसने एक बड़ा फॉल देखा था, हमने वो चीज भी देखी थी. लेकिन फिर उसके बाद से धीरे 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 पिकअप करना शुरू किया, विच वॉज मैंने आपसे बोला भी था कि ये पिकअप करेगी और ये लंबी रेस का घोड़ा बनकर चलेगी और ये ऐसे ही रहने वाली है. लेकिन जो सलार के सपोर्टर्स हैं और सलार के फैंस हैं उनका ये कहना है कि इससे इस फिल्म में नहीं लेकिन इससे पहले पठान और जवान के टाइम पर मैनिपुलेशन ऑफ फेक प्रोजेक्शन उस टाइम पर भी हुए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर फिगर्स वर्सेस रियल कलेक्शंस एंड ऑक्यूपेंसीज वाइज पठान के टाइम पर कि ये जो है थिएटर्स जो है खाली पड़े हैं और ये बताया जा रहा है कि कलेक्शंस बहुत ज्यादा है. कॉर्पोरेट बुकिंग, जी हाँ, ये एक टर्म है जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही है, कॉर्पोरेट बुकिंग जो है ये हो रही है. अब यहाँ पे इसीलिए मैं बार बार इसी बात पर दबाव डाल रही हूँ, एम्फसाइज कर रही हूँ कि बहुत जरूरी है मेकर्स, दोनों ही मेकर्स का सामने आना. ऑल्दो डंकी का मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क उठा है, लेकिन सलार के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं और ये जरूरी है मेकर्स का सामने आना ताकि ऑडियंस को ये बात साफ तौर पर पता चल सके कि एक्चुअली ये कोई ग्लिच था या क्या था, या अगर प्रोजेक्ट या अगर ये फिगर आया है, इतना बड़ा फिगर आया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन एनालिसिस क्या है. वी नीड टू नो दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम जो जब भी मैं आपसे रिपोर्ट शेयर करती हूँ, मैं आपको साफ तौर पर एक बुक माई शो दिखाती हूँ अपने फोन में और ये भी दिखाती हूँ कि भाई ये कलेक्शन आई है, सैकनिल की कलेक्शन आई है वर्सेस ये कहीं और से कलेक्शन आ रही है और ये प्रोड्यूसर फिगर है और ये डिफरेंसेस है, यू हैव सीन दिस. सो ये पानी की तरह साफ हो जाता है कि भाई वेरिएशंस हैं और वो सलार के केस में नहीं, जैसे मैंने बोला कि पहले से होते आए हैं वेरिएशंस, तो हमने बहुत सी फिल्मों में, इनफैक्ट बॉलीवुड में बहुत बहुत देखा है ऐसा होता हुआ, एंड दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस जो कि मानो या ना मानो सच है, एक कड़वा सच है कि प्रोजेक्टेड होते हैं ये बिजनेस ट्रेड फिगर्स जो होते हैं ये कुछ और होते हैं वर्सेस जो प्रोड्यूसर ने बताया वो कुछ और होते हैं. बट यस, वट एवर सेड एंड डन, आई एम गोइंग टू से दैट मैं दोनों ही फिल्मों के साथ सपोर्ट कर रही हूँ, मेरा सपोर्ट दोनों ही फिल्मों के लिए है. और अगर एक फिल्म को लेकर, यानी कि सलार को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो कि मुझे फिल्म बहुत पसंद आई और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो मैं चाहूंगी कि मेकर्स आए सामने और इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन जरूर दे सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर, सारी जो भी हवा बंद रही है ये हवा जो है ये क्लियर हो सके. ऑल्दो देखो यार, वट एवर सेड एंड डन, सब चीजें अपनी जगह चलती रहेंगी. ये भी आपको मैं एक सच्चाई बता दूं, एक सच्चाई ये भी है कि वो आए या वो ना आए, सब चीजें अपनी जगह पर चलती रहेंगी, चलती आई हैं पहले से और आगे भी चलती रहेंगी. इट इज अ डार्क रियलिटी ऑफ बॉक्स ऑफिस, दैट्स ट्रू. सो लेट्स होप कि आगे चल के ऐसा कोई बड़ा, जिसको कहते हैं जिससे बड़ा इशू बने, ऐसा कुछ ना आए. सलार के केस में, डंकी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं आया है फिलहाल तो नहीं आया और ना आना चाहिए. शाहरुख खान और जितने भी जो भी स्टार्स होते हैं, जो भी मेकर्स होते हैं, सबके क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है. बट मैं चाहती हूँ वाले फिल्म जरूर एक बार आके इस पे क्लियर प्रेस रिलीज या समथिंग नोटिस जो है वो जारी करे. बाकी आपका क्या कहना है इस सब पे, हार्ट ब्रेकिंग इट इज आई नो. और जितने भी सलार के फैंस हैं, मैं उन सबसे सहानुभूति रखती हूँ, मैं खुद फैन हूँ सलार की और प्रभास की और मुझे ये लग रहा है कि यार ये चीज होनी नहीं चाहिए. सो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पर किसी के ऊपर छींटाकशी नहीं हो रही है, हालांकि मुझे ये वर्ड्स पहले ही बोल देने चाहिए डिस्क्लेमर में, दिस इज नॉट An accusation नहीं है किसी के भी ऊपर. यहाँ पर सिर्फ बातचीत हो रही है और एक रिक्वेस्ट, एक अपील हो रही है कि मेकर्स से, कि भाई मेकर्स आए इस पर एक सफाई पेश करें. सो दिस इज इट. क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय है इस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल.